घर घर का श्रृंगार प्रेम सनातन। कौन थी वो देवी जो बार बार राजा विक्रमादित्य के स्वप्न में आकर कह रही थी, मैं कुएं में हूं, मुझे बाहर निकालो। वो कौन सी देवी हैं जिनके गहने लूटने वालों का आलीशान महल जलकर राख हो गया था? वो कौन सी देवी हैं जिनकी नथुनी नोच लेने पर मूर्ति की नाक से 4 दिन खून बहता रहा? वो कौन देवी जो तुरंत पूरी करती हैं आपकी मनोकामना? नैमिषारण्य के क्षेत्र खैराबाद स्थित उस महान देवी की महान कथा देखिए सिर्फ प्रेम सनातन टीवी पर। माँ इसी जगह कुएं में थी और कुएं से माँ ने राजा विक्रमादित्य से कहा कि मुझे निकालो और मेरी स्थापना करो। और फिर राजा विक्रमादित्य ने यहाँ आकर के कुएं में पड़ी माँ की मूर्ति को निकाला और इसी जगह पर स्थापित किया था। नैमिषारण्य का ही क्षेत्र है खैराबाद और इसी खैराबाद में स्थित है यह चमत्कारिक देवी मंदिर। कहते हैं इस मंदिर की स्थापना राजा विक्रमादित्य ने की थी। मंदिर से जुड़े सूत्रों का दावा है कि राजा विक्रमादित्य को बार बार ये स्वप्न आ रहा था कि कोई एक देवी उनके स्वप्न में आती थी और कहती थी कि मैं कुएं में हूँ, मुझे बाहर निकालो, मेरा मंदिर बनाओ, मेरी स्थापना करो। बार बार आ रहे इस स्वप्न से राजा विक्रमादित्य परेशान हो गए। फिर उन्होंने अपने सलाहकारों के द्वारा पता लगाना शुरू किया और बाद में पता लगा कि यह स्थान नैमिषारण्य के कस्बा खैराबाद में है। राजा विक्रमादित्य के द्वारा ही इसी क्षेत्र के एक प्राचीन कुएं से माता की मूर्ति निकाली गई और बाद में उसे एक भव्य मंदिर का स्वरूप दिया गया। स्थापना के बाद माता का नाम रखा गया माँ गौरी। मंदिर की और जानकारी के लिए हम बात करते हैं यहाँ के प्रमुख पुजारी प्रेमदास पांडे जी से। पांडे जी बताएंगे इस मंदिर का इतिहास। इस मंदिर का इतिहास ये राजा विक्रमादित्य के टाइम का मंदिर है और जिसमें की जो माता जी हैं ये सामने पीपल का पेड़ है, यहाँ पे कुएं के अंदर थी ये। और ये कुएं के अंदर से उन्होंने सपना दिया राजा विक्रमादित्य को कि हमको यहाँ से निकालिए और हमारे मंदिर बनाइए, हमारी स्थापना करिए यहाँ पे। तो राजा विक्रमादित्य ने जब माता जी को वहाँ से कुएं से निकाल के मंदिर बना के जब स्थापना किया है। माता गौरी का यह मंदिर अत्यंत प्राचीन है। मंदिर से जुड़े सूत्र यह दावा करते हैं कि मंदिर स्थापना के बाद माता रानी के शरीर पर बेस कीमती हीरे जवाहरातों का के गहने थे। मंदिर के पीछे ही एक स्थान है जिसका नाम है जरबगिया। जरबगिया में पठान परिवार के लोग रहते हैं। आखिर कौन सी गुस्ताखी कर दी थी उन लोगों ने इस मंदिर के साथ या माता के साथ, जिसके कारण उनका पूरा महल जलकर राख हो गया था? सुनिए मंदिर के महंत क्या बता रहे हैं जरबगिया की कहानी। तो राजा विक्रमादित्य ने जब माता जी को वहाँ से कुएं से निकाल के मंदिर बना के जब स्थापना किया है तो पठानों ने जो है इनके जेवर उतार ले गए। जब जेवर उतार के ले गए हैं तो इन्होंने पठानों को सपना दिया कि जिस तरह के हमारा जेवर आप उतार के ले गए हैं उसी तरह जेवर हमारे यहाँ रख दीजिए। तो नहीं रखा, दूसरे दिन फिर सपना दिया कि जिस तरह का हमारा जेवर आप उतार के ले गए उसी तरह हमारा जेवर यहाँ रख दीजिए, नहीं तो तुम्हारा हम सर्वनाश कर देंगे। तो उन्होंने तीसरे दिन ठीक दोपहर 12 बजे और उनके महल में आग लगने के बाद जो है उनके महल का जो ईंटा पत्थर जो था जल के कोयला हो गया है। जब कोयला बन गया है तो इस सामने जो ये जो मकान बने हैं ये बाग था यहाँ पे, तो इसका नाम है जरबगिया। तो
तो इसी जरबगिया में जो था, इस बाग में जो है पठानों के महल थे और उन्होंने इनके जेवर उतार लिए माता जी के। कहते हैं कि यह स्थान इतना पावन होता चला गया कि यहाँ जो आया उसकी मनोकामना पूरी होती गई। हमने अपनी लड़की की शादी तय करने के लिए घर से निकले और हमने बोला माता जी से, अर्जी लगाई अपनी कि माता जी हमारी शादी लड़की की तय होनी हो वही हमको पहुँचाना, अब वरना हमें ले नहीं जाना, हमको बहुत कष्ट होगा जब ना हो जाएगी। और हम माता जी के दरबार में आए और जी लगा के गए, हमारी लड़की की शादी तय हो। यहाँ बहुत सच्चा स्थान है, इससे ज़्यादा कुछ कहने के लिए बचा ही नहीं है। जय माता जी, हम यहाँ हमको आए हुए 6 साल हो गए हैं, हम हमेशा यहाँ आते हैं, हम माता रानी हमारी हर ख्वाहिश पूरी करती हैं, जो भी हम अपने दिल से कह देते हैं वो हमेशा पूरी करती हैं, इनकी मान्यता बहुत ही बहुत महान है। स्थान जो है ये बहुत सच्चा है और किसी का मतलब कोई भी आप अपने घर बैठे इनसे मानता करिए तो तुरंत भैया नहीं जरूरी कि यहाँ आना ही पड़े, आप आए अपने घर से अगर आप बोलेंगी तो आपका हम काम जरूर माता जी पूरा करो, ये बिल्कुल निश्चित बात है। हम यहीं रहते हैं तो हमको 25-30 साल हो गए, हमेशा आते रहते तो दर्शन करने रोज आते हैं, शुक्रवार को कीर्तन होता तब तो आते ही है। यह दिव्य स्थान माता गौरी का है और जय स्थान विक्रमादित्य के द्वारा स्थापित कुआं से निकाली गई मूर्ति बहुत सिद्ध है। ये मूर्ति में जो दर्शन करते हैं उनकी सभी कामनाएं पूर्ण होती है। इसका इतिहास आज से लगभग 1200 साल पुराना है। जो यहाँ पर आता है वो खाली हाथ कभी नहीं जाता, जिसने जो मांगा है वो यहाँ जरूर पाया है। एक बार यहाँ आके दर्शन जरूर करें। क्षेत्र ही नहीं, आसपास के जनपदों से भी लोग इस स्थान पर आते हैं और जो भी जो कामना करता है वह कामना उसकी पूरी होती है। अत्यंत प्राचीन यह मंदिर आज भी मनोकामना सिद्धि के लिए माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि कितना भी जटिल समस्या आपके सामने है लेकिन अगर एक बार आप इस मंदिर में आकर माँ का दर्शन कर लेते हैं तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। विविधता और विलक्षणता का ही नाम तो सनातन है। गौरी मंदिर के बाहर एक तालाब है और इस तालाब एक सामान्य सा तालाब, लेकिन तालाब के बारे में कहा यह जाता है कि कान का किसी भी प्रकार का रोग हो या कान अगर बह रहा है तो इसका पानी अगर आप कान में डाल लेते हैं तो वो रोग आपका ठीक हो जाएगा। ये महत्व माँ गौरी के पास बने इस तालाब का है। ये जो मंदिर है ये हजारों वर्ष पुराना है और यहाँ जो भी मनोकामना की जाती है वो पूर्ण होती है। और ये जो आप तालाब देख रहे हैं, ये तालाब में अगर किसी भी रोग मतलब कान में बहता हो से रोग इस तरह का रोग है तो इसका जल डालने से कान ठीक हो जाता है। Oh,
रखी।